जी, मुद्दा तो यही है कि हमने दो गुजारिश रखी है सरकार के सामने। एक तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की समीक्षा दोबारा की जाए, जो 6 पंचायतों में लागू किया है लाहौल स्पीति के अंदर, क्योंकि उसमें जो पिछली सरकार में नाप नपाई हुई उससे लोग संतुष्ट नहीं है। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा ये है कि हमारे वहाँ पे 3,000 करोड़ की लागत से जो सड़कें बन रही है, SKTT रोड और SKG रोड स्पीति और लाहौल के अंदर, उसमें हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर लोगों की ज़मीनें जाएँ वहाँ पर एक ही पैरामीटर होना चाहिए। कई जगह 5 लाख रुपये बिस्व है, कई जगह 70,000 रुपये बिस्व है सर्कल रेट। तो सर्कल रेट क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित के लिए ये मार्ग बन रहे हैं, तो एक ही यहाँ पर निर्धारित वो राशि मिलनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। और मुद्दा हमारा ये है कि आदिवासी कांग्रेस का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और पूरे देश के अंदर ही नहीं, अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आप देख रहे हैं आग लगी हुई है और अराजकता फैल रही है। तो उन लोगों को हक दिलाने के लिए, बेशक हमारे राष्ट्रपति मुर्मू सिंह जी हैं, पर खेद की बात यह है कि तब भी हम लोगों को अपना हक नहीं मिल रहा है, तो उसको उनको हक मिले वापस, इसके लिए हमने ये हफ्ता 8-9 तारीख को हम उनके हित में मनाएंगे। उनके जो भी हमारी सभ्यता है, संस्कृति है या धर्म है उनका या वेशभूषा है, उनको संरक्षण देने के लिए हम एक कार्यक्रम रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि जिस तरह से वहाँ के लोग चाहेंगे, अनुसूचित जनजाति की और लाहौल स्पीति की जनता जैसा चाहेगी, हम उसी तरह से एक SIT फॉर्म करके उनको भेजेंगे वहाँ पे, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लोगों को, और जैसा लोग चाहेंगे उसी आधार पे हम वहाँ के रूपरेखा बना के उसकी नोटिफिकेशन करेंगे, चाहे वो मास्टर प्लान रखना हो या TCP लागू करना हो, जो भी है। पहले लोगों को नहीं पूछा गया, उसको लागू कर दिया। देखिए, ये पिछली सरकार ने सारे नियम नाप नपाई और ये सब करा, अभी हमारी सरकार आई तो ये जो विकास है वो तो एक निरंतर चली रहती है। हमारी सरकार कुछ बनाएगी वो अगले वाले लागू करेंगे, अगला करेगा वो अगली बार करेंगे। तो जो इन्होंने नियम पीछे बनाए, नाप नपाई किए, उससे भी हमारे लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और उन सबका ये कहना है कि मास्टर प्लान लागू होना चाहिए बेशक, पर हमारा निरंतरण सारा हमारा पंचायती राज और हमारा नुमाइंदा और वहाँ के प्रशासन का ही होना चाहिए, TCP का नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है और वो इसको व्यक्तिगत तौर से इसको देखेंगे कि क्या वहाँ पे लागू होना चाहिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।